हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा और आज की हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में जो कि बहुत सारे लोगों का किडनी फेलियर को रिकवर कर चुका है और इससे क्रिएटिनिन यूरिया बहुत तेज़ी से कम होने लग जाता है और किडनी का जो GFR लेवल होता है वो भी बढ़ने लग जाता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी न किसी और किडनी रोगी तक इस वीडियो को ले जाएगा और इससे उसकी बहुत ज़्यादा मदद हो पाएगी। तो वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इससे कुछ इफ़ेक्ट मिलेगा। जब आप दूसरे का भला करेंगे तो आपका भला क्यों नहीं होगा। किडनी रोग एक ऐसा रोग है जो दिन पर दिन बढ़ता ही चला जाता है। किडनी रोग की कोई भी एलोपैथी में ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जो कि आपके किडनी रोग को बिल्कुल समाप्त कर सके, लेकिन आयुर्वेद में ऐसी ऐसी मेडिसिन उपलब्ध हैं जिनके बारे में बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं और बहुत सारे जर्नल प्रकाशित हो चुके हैं, जिनके बारे में जो भारत की बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं उन्होंने भी इसके ऊपर रिसर्च की हैं और इस मेडिसिन के बहुत सकारात्मक प्रभाव देखे हैं। इस मेडिसिन के बहुत सारे जो रिजल्ट हैं वो पॉजिटिव मिले हैं। तो इस मेडिसिन को जानने से पहले आपको इसको लेने आने का तरीका आना चाहिए। अगर आप किसी भी मेडिसिन को सही से नहीं लेंगे तो वो मेडिसिन आपके शरीर में जाके कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालेगी और इससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। और मेडिसिन लेने के तरीके से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से रोग में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो जब आपका किडनी फेलियर हो चुका है या आपका क्रिएटिनिन बढ़ने लग गया है तो आपको कोई भी तेल मसाले वाला खाना नहीं खाना, आपको कोई भी एनिमल फूड नहीं लेना, चिकन मटन कोई भी मिल्क प्रोडक्ट या पनीर वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाना। आप सिर्फ शुद्ध शाकाहारी खाना ही खाएं, दालें खाएं, सब्जियां खाएं, रोटी खाएं, चावल खाएं और जहां तक हो सके उसमें तेल मसाले का कम से कम प्रयोग करें। आप फलों का भी प्रयोग कर सकते हैं, खट्टे फलों का प्रयोग ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि इससे आपका पोटेशियम बढ़ सकता है। तो चलिए जानते हैं मेडिसिन लेने का सही तरीका क्या है, उसके बाद हम उस मेडिसिन के बारे में जानेंगे। मेडिसिन लेने का तरीका सही यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ खानी है, आपको दालें खानी है या और आपको चपाती खानी है। आपको खाना खाने से पहले कम से कम एक गाजर ले ली और एक खीरा ले लिया, उसको आपको पहले खाना है, उसके बाद आपको अपना खाना खाना है। खाना इतना खाना है कि आपको ओवर क्वांटिटी में नहीं खाना है और खाना खाने के बाद आपको एक घंटे बाद इस मेडिसिन को लेना है। इस मेडिसिन को आप कम से कम 20 ml से 30 ml के आसपास लें और कम से कम 30 से 40 ml के आसपास पानी मिलाएं और इस मेडिसिन को आपको दिन में 3 बार लेना है, सुबह लेना है, दोपहर में लेना है और रात में लेना है, और तीनों टाइम आपको खाना खाने के बाद में ही इस मेडिसिन का प्रयोग करना है। और इस मेडिसिन से आपका क्रिएटिनिन बहुत तेज़ी से कम होने लगेगा और आपकी किडनी का जितना भी डैमेज हुआ है, जो आपके नेफ्रॉन डैमेज हुए हैं, वो धीरे धीरे करके एक्टिव होने लगेंगे। और फ्रेंड इस मेडिसिन के बारे में बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, तो चलिए जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में। तो इस मेडिसिन का नाम है NeeriKFT। फ्रेंड NeeriKFT की बोतल आपको बाज़ार से भी मिल जाएगी और आप कहीं से भी ले सकते हैं। चाहिए तो मैं आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उससे भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा।